पे देखिए जी। देखिए कल 10 तारीख को पिल्लूखेड़ा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव आड़वा से हमारे एक ASI जो पिल्लूखेड़ा थाना में ही तैनात हैं उनको दौराने के वास्ते एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के कुछ लोग जो भारतीय पुरानी करेंसी है उसको नई करेंसी के साथ एक्सचेंज करने की डील कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करते हुए मौके से 4 लोगों को राउंड अप किया और कुछ बैग और कट्टों में जो पुरानी करेंसी है उसको बरामद की है, जिसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात करवा के नियुक्त करवा के उनकी मौजूदगी में जब नोटों को गिना गया था टोटल 8,42,60,000 की ये करेंसी थी। इस पुरानी भारतीय करेंसी में कुछ पुराने असली नोट थे और बाकी प्रिंटेड नोट थे, जिनको प्रिंट करने के लिए जो फोटो स्टेट की मशीन वगैरह यूज़ की जा रही थी, शाही यूज़ की जा रही थी, कटरी यूज़ किए जा रहे थे, उनको भी हमारी टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में हमने IPC सेक्शन 420, 489A, C और D के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभी मामले की जो तफ्तीश आगे करते हुए 4 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक जो मुख्य इसमें आरोपी है संजय पुत्र सज्जन सिंह वासी हाड़वा, हरदीप पुत्र महावीर वासी जयसिंहपुरा, भारत भूषण पुत्र सुंदर श्याम वासी अजन, मस्कीन पुत्र मंजीत वासी जुड़ाना, इन चारों ने मिलकर ये सारी की सारी जो डील थी वो कर रहे थे। और प्रारंभिक जो इनसे पूछताछ की गई उसमें ये बात सामने आई है कि इस पुरानी करेंसी को ये नई करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए ये सारा कार्य कर रहे थे और इसका जो इन्होंने परसेंटेज रखा हुआ था वो लगभग 20-25% पे है, आगे इसको एक्सचेंज करते और यहाँ से इसे 10-15% पे करते। और जो पुरानी करेंसी को नई करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए ये पूरे का पूरा वाक्य किया जा रहा था, इसमें जो आगे का मास्टरमाइंड है सुनील वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि वो आगे इस पुरानी करेंसी को किस तरीके से यूज़ करने वाला था, वो सारी बातें दोहराने जांच आगे सामने आएंगी। तो ये अभी आज हमारी टीम इन चारों को लेके कोर्ट में गई है, इनका रिमांड लिया जाएगा और दोहराने रिमांड ये सारी की सारी बातें इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, ये कब से ये ऐसा काम कर रहे थे और इनका आगे इस करेंसी को यूज़ करने का क्या तरीका। इनके बारे में अभी प्रारंभिक जो सूचना आई है कि वो इसी तरीके के पुरानी करेंसी के नोट एक्सचेंज करने की डील्स को एग्जीक्यूट करवाता था और इनकी क्या मंशा रही है वो अभी सुनील की गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर हो पाएगी। पिल्लूखेड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हाड़वा में ये डील हो रही थी और वहीं पे एक्सचेंज करने लग रहे थे, मौके से ही इन चारों और जो इनके पास कट्टे और बैग थे जिसमें पुरानी करेंसी थी, चारों की जो मैंने आपको डिटेल बता दी है कहाँ के रहने वाले हैं, बाकी जो डिटेल सूचना है वो इनकी जो भी रिमांड ले हम लेंगे दौराने रिमांड ही क्लियर कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या काम करने वाले थे, इनकी क्या हिस्ट्री रही है और ये कैसे। सुनील
पानीपत का रहने वाला है, पानीपत के डिस्ट्रिक्ट पानीपत के एरिया का रहने वाला है और इसके लिए लगातार कोशिश। देखिए सुनील आगे डील करवाने के लिए सुनील की भारत भूषण के थ्रू सज्जन से, संजय से डील हुई थी और संजय ने आश्वासन दिया था कि मेरे पास पुरानी भारतीय करेंसी के नोट उपलब्ध हैं जिनको मैं आपको दे सकता हूँ। तो आगे से जो इसके पास भारत भूषण के थ्रू सुनील ने डील की कि आप हमें पुरानी करेंसी के नोट दीजिए और उसके बदले हम आपको जो तय की गई इनकी परसेंटेज थी लगभग 20% के आसपास नई करेंसी के नोट उनको उपलब्ध करवाते हैं। और कल जब इनकी ये डील होने वाली थी तो उसी डील के दौरान हमारी टीम को ये सूचना प्राप्त हुई और उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। देखिए ये जो कल मौके से बरामद की गई है वो सारी की सारी पुरानी करेंसी है। उस पुरानी करेंसी में कुछ नोट उस समय के असली नोट हैं और ज़्यादातर जो नोट हैं वो पुराने प्रिंटेड नोट हैं।